साहब जीत गए भाई साहब जीत गए, मतलब सच में यार क्या कहूँ यार, जस्ट अमेजिंग पार्टनरशिप बिटवीन भाई साहब मिताली राज एंड स्नेहा राणा एंड इट्स जस्ट अमेजिंग यार, मैं क्या कहूँ। मतलब जो उन्होंने दो पारियों में जो भाई साहब वो 50 थे ना भाई साहब, उस ये 50 भाई साहब उससे कहीं ऊपर है भाई साहब, ये उन्होंने जितने सारे 100 बनाए उससे कहीं ऊपर है यार ये 50 भाई साहब, इट्स जस्ट अमेजिंग भाई साहब। अगर मैं मैच की शुरुआत से बात करूँ भाई साहब, सबसे पहली बात हमारे बॉलर्स, मतलब सारे बॉलर अच्छे चले, सारे बॉलर्स, इवन पूनम यादव ने भी आज थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग की भाई साहब, थोड़ा उनको इम्प्रूव और करना पड़ेगा भाई साहब। बट अगर बाकी बॉलर की बात करूँ भाई साहब, स्नेहा राणा ऑन द ट्रॉट, उन्होंने बहुत उन्होंने भी फंसाया भाई साहब, विनफील्ड को फंसाया भाई साहब। फिर अगर मैं दीप्ति शर्मा की बात करूँ भाई साहब, 3 विकेट उन्होंने लिए भाई साहब। शुरुआत का जो टैमी बैमॉट का विकेट था वो भी भाई साहब शिखा पांडे ने लिया भाई साहब, वो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया, बट बाकी के सारे विकेट देख लिए मैंने एंड इट्स जस्ट अमेजिंग यार। मतलब आज इंडिया के लिए सब चीज़ें सही गई है भाई साहब। अगर आप ओपनिंग देखो भाई साहब, ओपनिंग भी तो हम वो तो हमेशा हमारी अच्छी जाती है भाई साहब, बट अगर डिसअपॉइंटमेंट्स अगर मैं ढूंढूँ भाई साहब, जब हमारे 2 विकेट गए थे जमान रॉड्रिक जमान एक हमारी गई थी, फिर स्मृति मंदाना गई थी, मुझे लगा भाई साहब ये पिछले मैच की तरह हो रहा है भाई साहब। रुको मेरा फोकस ठीक कर लूँ, मुझे लगा भाई साहब वो पिछले मैच की स्टोरी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ भाई साहब कि हम जीत गए। जब वो हरमनप्रीत कौर जब आउट हुई थी मुझे डर लग रहा था बिकॉज अब क्या होगा, पर दीप्ति शर्मा ने थोड़े बॉल डॉट्स किए, पर फिर उन्होंने अपना नेचुरल गेम खेलना शुरू किया, बट उनको भी अच्छी गेंद पड़ी और वो आउट हो गए भाई साहब। उसके बाद भाई साहब जो स्नेहा राणा और मिताली राज ने परफॉर्म किया भाई साहब, स्पेशली मिताली राज ने भाई साहब, उन्होंने जब भी ऐसा लगा कि प्रेशर आ रहा है उन्होंने चौके मारे, आज ने सिंगल्स लिए भाई साहब। मतलब यार ये होती है नहीं। अगर उनका स्ट्राइक रेट देखोगे भाई साहब, अभी आज 80-85 का स्ट्राइक रेट है, बीच में ये कम भी था, बट भाई साहब उन्होंने सही वक्त जब आया भाई साहब, जब दिखा भाई साहब 6 के ऊपर जा रहा है रन रेट, तब उन्होंने भाई साहब 1-2 बाउंड्रीज लगाए, सिंगल्स, मतलब डॉट्स खेले, डॉट्स से कोई मतलब नहीं बनता भाई साहब, बट मतलब बनता है आप अपने स्ट्राइक रेट को कैसे इंक्रीज़ करते हो, कैसे भाई साहब आप वो रन और बॉल के मतलब अपने बॉल और रन को कैसे मैनेज करते हो भाई साहब, एंड आज वो बहुत अच्छी खेली भाई साहब। और जो स्नेहा राणा की जो 25-26 रन की कॉन्ट्रीब्यूशन थी भाई साहब, इट्स इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड भाई साहब। मतलब दोनों ने अच्छा खेला भाई साहब, जीत की तरफ लेके आया भाई साहब, एंड जो उन्होंने लास्ट का चौका मारा था भाई साहब वो तो मतलब बहुत अच्छा था भाई साहब, इट्स जस्ट अमेजिंग। फिर वो आउट हो गई भाई साहब, बट जो उनका काम था उन्होंने वो पूरा कर लिया था भाई साहब। एंड हाँ भाई, सीरीज हम हार गए भाई साहब, बट कम से कम हमने क्लीन स्वीप तो नहीं किया भाई साहब। अब हमारी बारी आएगी भाई साहब 2020 में, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे भाई साहब हम वहाँ पे पूरी सीरीज़ विन कर सके भाई साहब। तो बस यार यही था आज की वीडियो के लिए, मैं बहुत खुश हूँ भाई साहब बिकॉज आज हमारे सारी चीज़ें हक में गई है भाई साहब। जो लास्ट में भाई साहब जो मिसफील्ड हुए हैं, जो वाइड बॉल आया है, जो 22 के रन आए, मतलब आज टोटल डे हमारा था। और एक बात भाई साहब, मिताली राज बन गए भाई साहब हायर मतलब वुमेन्स रन स्कोरर, अभी उनसे ज़्यादा रन भाई साहब किसी ने नहीं बनाया भाई साहब। तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिताली राज एंड इंडियन टीम भाई साहब। तो बस यार यही था वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।